हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से न्यू वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2019 का, जिसमें 10th पास के लिए भी वैकेंसीज आउट हुई है, 12th पास के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, डिप्लोमा, डिग्री, सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज को यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। सबसे अच्छी बात है, ऑल इंडिया को इन्वाइट किया गया है। ऑल इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ने भी आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोलनी भी आनी चाहिए इंग्लिश आपको, ठीक है, लेकिन आपको पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी बताई है सारा मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना, बेल बटन को साथ में ज़रूर प्रेस करना, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। बताना चाहूंगी, इस वैकेंसी के अलावा 7 से 8 न्यू नोटिफिकेशन आज ही आउट हुए हैं, जिसमें आपके स्टेट की वैकेंसीज अलग है, सेंटर की अलग है। उसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com पे जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई किस तरह से करना है उसके लिए भी आपको प्रॉपरली गाइड किया गया है, तो जरूर जाना। बहुत सारी वैकेंसीज है जो कि आउट हुई है, ठीक है, उसमें सितंबर तक लास्ट तारीख बताई गई है, जो किसी के लिए 18 सितंबर है, किसी के लिए 23 सितंबर है, तो विजिट जरूर करना, ठीक है। और इस वैकेंसी के लिए अगर आपकी एज मिनिमम 18 है, आप अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 45 बताई गई है। उसके अलावा भी 5 से 10 साल का एज रिलैक्सेशन अलग से बताया गया है, जो कि SC ST और अदर कैटेगरीज के लिए बताया गया है। बात करेंगे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की। अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 16 सितंबर 2019 तक, आपको इजीली अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और बताना चाहूँगी, इसके लिए ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको इनके मेंशन एड्रेस पे फिलअप करके भेज देना है, इसका भी मैं आपको सारा बताऊँगी किस तरह से। और इसमें आपका एग्जाम भी होगा, हर पोस्ट के लिए अलग सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। फिलहाल हम सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। सबसे पहली जो पोस्ट आउट की गई है वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, इसके लिए 13 पोस्ट हुई है, ठीक है। 29,900 प्लस अलाउंस जो भी डिपार्टमेंट का रहता है वो आपको यहाँ पे किया जाएगा इस वाली वैकेंसी के लिए, यानी कि जो फर्स्ट पोस्ट है फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसके लिए मांगी हुई है इन्होंने डिग्री फूड टेक्नोलॉजी में, डायरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस में अगर आपने की है, या अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है केमिस्ट्री में, या आपने मेडिसिन में डिग्री की है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाले पोस्ट की हम बात कर रहे हैं अभी। सेकंड जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट केमिस्ट फूड में, इसके लिए भी सेम सैलरी है, 10 वैकेंसीज है, और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है जो कि फर्स्ट वाली पोस्ट है, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए है। इसको आप अच्छे से रीड करना, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम भी ह्यूमन बींग है, कई बार कुछ ना कुछ बताने में मिस्टेक हो भी जाती है, तो आप पहले फुल नोटिफिकेशन को पढ़ा कीजिए, तभी आप अप्लाई किया कीजिए, ठीक है। सो थर्ड जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट केमिस्ट ड्रग्स में, इसके लिए 7 वैकेंसीज है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है फार्मेसी में, यानी आपने बी फार्मा किया हुआ है, या अगर आपने साइंस विद केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में आपने कोई भी डिग्री की हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इस वाली वैकेंसी के लिए, यानी असिस्टेंट केमिस्ट के लिए, यहाँ पर इन्होंने 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक है। हर वैकेंसी के लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगली जो पोस्ट है वो है फार्मासिस्ट की, इसके लिए इन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है फार्मेसी में, तो अगर आपने किया है आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली जो पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, अगर आप 10th पास हो आप अप्लाई कर सकते हो, 10th या उसके इक्वल कोई क्वालिफिकेशन है विद साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी जो सैलरी है 25,500 तक बता दी गई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर की है, इसमें आपकी जो सैलरी है 25,500 बता दी गई है, ठीक है। और इसमें अगर आपने 12th की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, इंस्टीट्यूट से, आप अप्लाई कर सकते हो। और 100 वर्ड्स पर मिनट की आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है, 30 वर्ड्स पर मिनट की कंप्यूटर टाइप राइटिंग में। सो अगर आपके पास है आप अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है LDC, यानी लोअर डिविजन क्लर्क की, इसके लिए 19,900 सैलरी है, 7 पोस्ट है, 12th पास के लिए ये एलिजिबल रहेंगे इसमें, ठीक है। अगली है ड्राइवर की पोस्ट, इसमें अगर आपने सेकेंडरी स्कूल से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट व्हीकल का। अगली जो पोस्ट है MTS, यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 6 वैकेंसीज है, इसके लिए भी 12th पास एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टी टास्किंग स्टाफ में यहाँ पे इन्होंने नॉलेज मांगी हुई है ऑपरेटिंग ऑफिस मशीन की, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, ठीक है। बाकी आप ये एलिजिबिलिटी यहाँ से पढ़ लेना अच्छे से, और नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करके तभी आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। सो कई बार बताने में भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारी वेबसाइट पे जाके आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना, फिर आपने अप्लाई करना है। वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।